मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा था टिकटॉक पे, जो चीज़ें बन रही थी, जो वीडियोस बन रही थी, वो ठीक थी या गलत थी? ये मेरे ख्याल में गलत है। पहले तो किसी किसी घर में कंजर होते थे ना, अभी तो जब से टिकटॉक है हर घर में कोई ना कोई कंजर निकला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद सलीम, टुडेज पाकिस्तान के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि एक रोज़गार का भी बहुत बड़ा और बहुत अहम एक ज़रिया समझा जाता है। लोग काफ़ी पैसे भी इससे कमा रहे हैं और काफ़ी शोहरत भी हासिल कर रहे हैं। आज हम लोगों से ये पूछेंगे, पाकिस्तान में जो पेमरा ने एक फ़ैसला लिया है और हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया है टिकटॉक को बैन करने का, तो ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है? इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा लोगों की जानिब। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जी तो बढ़ते हैं लोगों की जानिब और उनकी राय लेते हैं। आइए, मेरे साथ अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टिकटॉक को हमारी पेमरा ने बंद कर दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक, ये अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, अच्छा किया बंद कर दिया ये। मतलब टिकटॉक की वजह से बहुत ज्यादा जो जेंडर मसले हो रहे हैं जेंडर के लोगों के, मतलब बहुत ज्यादा मेल्स जो है वो फीमेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और फीमेल्स जो है वो मेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया बंद करने का। आपकी राय में टिकटॉक को बैन करना ठीक फैसला है या गलत फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला कैसे? ऐसे बस वो लड़के जो हैं वो लड़कियों के कॉस्ट्यूम्स में पहन के वीडियोस बना रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। बिल्कुल ठीक फैसला है जी। टिकटॉक बहुत गंदी चीज है, बहुत लोगों को इसने खराब किया हुआ है। ठीक है, बहुत इसमें लड़कियाँ आई हुई हैं, खराब हो गई हैं। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया। तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, फिर पाकिस्तान में क्यों बैन? बिल्कुल कर रहे हैं, सही किया है, पाकिस्तान में बंद किया हुआ है। बहुत मतलब इसमें बेहयाई आती है, बहुत ऐसे चीजें सामने आती हैं कि वो ठीक नहीं है आने वाले नस्लों के लिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो कंटेंट बन रहा था टिकटॉक पे, जो चीजें बन रही थी, जो वीडियोस बन रही थी, वो ठीक थी या गलत थी? ये मेरे ख्याल में गलत है। पहले तो किसी किसी घर में कंजर होते थे ना, अभी तो जब से टिकटॉक है हर घर में कोई ना कोई कंजर निकला है। ठीक है ना, ये तो एक बैर लोगों की साजिश है जिसने चाइना ने बनाई है, मतलब चाइना खुद ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान, हम तो मुस्लिम का नारा लगाने लोग हैं, हम लोग कौन से काम में बढ़ गए हैं? हमें तो ये नहीं समझ आती ना, हुकूमत हमारी घटिया है, नाकाम है, किसी खाते की नहीं है। मतलब देहरान दे काम उल्टे पुलटे उन्होंने शुरू किए हुए हैं। तो बैन की है हुकूमत का, हुकूमत है घटिया तरीन हुकूमत है। ये काम के अभी भी वो VPN के जरिए चला रहे हैं टिकटॉक, तो मतलब VPN पे भी बैन होना चाहिए जी। बाकी दुनिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है टिकटॉक को और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ठीक तरह से इस्तेमाल हो रहा था या गलत हो रहा था? नहीं, असल में पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो ख़राब है। मतलब ऐप बेशक चले लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर है ना उनको पकड़ा जाए, मतलब वो गंदा किस्म का कंटेंट बना रहे हैं और मतलब बिल्कुल चीप है, मतलब थर्ड क्लास है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में टिकटॉक का जो इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक हो रहा था या गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा था आपका, क्योंकि आप देखें जो इन्होंने यूज़ करना था टिकटॉक में जितना टाइम यूज़ किया है, यही लोग अगर अपना माइंड निकाल के किसी और बिजनेस की तरफ करें तो वो कुछ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब होगी उनकी, कहीं पे बैठे हुए किसी को कुछ बता सकते हैं कि आई एम अर्निंग इनफ कि मैं कोई जो है रिस्पेक्टफुल जॉब करूँ, मैं कुछ अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो बिल्कुल अच्छा फैसला, और टिकटॉक वैसे ही टाइम का ज़्यादा है, आप और कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, आपको बेसिक एतराज़ उनके कॉन्टेंट पे है या फिर ऑन द होल टिकटॉक ऐप पे ही है? नहीं, ऑन द होल टिकटॉक ऐप पे नहीं, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है आपका उसी तरह टिकटॉक भी है। इस पे अब कंटेंट लोगों ने ऐसा बनाना शुरू कर दिया ना कि अब जैसे कि कोई अगर गाना रिलीज होगा ना तो उस गाने में लोग इतने टिकटॉक्स बना देंगे ना, हम हर चीज़ खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, वही चीज़ें नज़र आती रहेंगी, फिर हम तंग आ जाते हैं, फिर बंदा फ़ोन ही नहीं यूज़ करता, वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ इसको, बार बार एक ही चीज़ देख रहा हूँ मैं। टिकटॉक बैन कर दी गई है तो आपको क्या लगता है कि ठीक फैसला किया गया है गलत? ये वैसे बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला, किस वजह से? ये जो आजकल जो यंग ये जो लड़कियां लड़के जो जॉब नहीं कर रहे, जो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, इतना फोकस उसमें नहीं कर रहे, मतलब ज़्यादा तौर जो हम यंग जो लड़के हैं चाहे हमारे जैसे भी हैं, ज़्यादा मोबाइल पे इस्तेमाल करते रहते हैं, पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं, ना पढ़ाई पे फोकस करते हैं ना किसी काम पे। हमारे साथ एक नन्नी मुन्नी सी बच्ची भी मौजूद है, लेट्स आस्क, इनका नाम क्या है? माहीन फातिमा। माहीन फातिमा हमारे साथ है। माहीन, मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ करती हैं?
यस यस तो टिकटॉक को बैन करना ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है, क्यों गलत है? मुझे उसकी वीडियोस पसंद थी। पसंद थी, लेकिन बहुत सारे नहीं आपको लगता लड़के जो थे सारे के सारे जितने भी आपके भाई शाही अंकल शंकल थे वो सारे लड़कियां बन गए थे तो नो इट्स अ टैलेंट नो देन क्यों बैन नहीं करना चाहिए? उसकी कुछ वीडियोस अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं, लेकिन अच्छी वाली मुझे पसंद है। लाइक वो वाली नहीं पसंद जिसमें बॉयज गर्ल्स की तरह होते हैं, लेकिन दूसरी पसंद है मुझे। सी पसंद है, इसका मतलब है जी कंटेंट का मसला है, टिकटॉक आपका कोई मसला नहीं है। टिकटॉक को नहीं बैन होना चाहिए, कंटेंट राइटर्स जो हैं उनके ऊपर आना चाहिए, है ना? उनको ठीक करना चाहिए, उनको मारना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा कंटेंट। यस थैंक यू सो मच माहीन, थैंक यू।